नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आ गए हैं वापस कबड्डी के लिए। देखो दोस्तों, आपने सोच रहे होंगे कि भाई एक वीडियो बना दिया कबड्डी का, फिर कबड्डी का वीडियो आया नहीं था। दोस्तों मैं क्या कर रहा था कि अभी जो मैच फर्स्ट मैच हो रहे थे हर टीम के, तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि कौन सा, मतलब जो नए लड़के खेल रहे हैं ना, वो कौन से पोजिशन पर खेलते हैं, तो उसके भी आपसे मैंने नहीं बनाया था दोस्तों ना। अब सारे मैच हो गए हैं, अब बस जो आपकी जो एक तो हरियाणा बच गई, एक आपकी पटना बच गई, उनके उन प्लेयर को मैं पहले से जानता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ थी जैसे कि बंगाल के अंदर नए प्लेयर थे, तेलुगु के अंदर नए प्लेयर थे, उनके बारे में पता कर लिया। तो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बहुत ही शानदार टीम बना सकते हो दोस्तों। आपके पास में सॉफ्टवेयर है, प्लस हमारे इस वीडियो द्वारा जो नॉलेज मिलेगी, तो नॉलेज प्लस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया टीम बनाओगे ना, तो 100% कहूँगा कम से कम 21 डेज कबड्डी खेलो और टीम बनाओ सॉफ्टवेयर से, अपने माइंड से, दोनों से, है ना। फिर आपके रिजल्ट नहीं आते पॉजिटिव तो आप खुद कहो दोस्तों, ठीक है। और एक मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान बताना, उसके भी आपसे आपको ना वीडियो मिलेगा दोस्तों, लेकिन वहाँ पे कम ही कमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे यूट्यूबर के हमारे मेम्बर्स हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी लॉस के अंदर है उनके पास जब बचा जो कैपिटल इनकम है फॉर फैंटेसी, ओनली फॉर फैंटेसी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर दो, भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इसको किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ कि मतलब कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है ना उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकूँ, ना कि लॉस में, क्योंकि लॉस तो मैं पहले से कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ आप कमेंट में जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो 8वां मैच है, मतलब कबड्डी 3 महीने चलेगी, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है, फिर पर डे भी वीडियो मिल सकता है, वो आपकी जो रेस्पॉन्स है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो आपको हर वीडियो मिलेगा, यदि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो दोस्तों उसका करने का मतलब ही किया दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे गेम चेंजर प्लेयर की बात होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंडर तेलुगु टाइटंस ने बताया, डिफेंडर संदीप धुल और रेटर आपके रजनीश गेम चेंजर बनने वाले हैं, और पटना से आपके टी युवराज, जो ये जनता पिक ही नहीं करेगी, मैं डिफरेंट पिक बता रहा हूँ आपको, टी युवराज और सचिन तंवर दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़े उसे चलते हैं पहले टेलीग्राम। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर के यूजर्स हैं वो हमारे साथ द्वारा ज्वाइन हो रहे हैं, जो भी नए यूजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्लस सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और थोड़े बहुत आपको विनिंग दिखा देते हैं। ये विनिंग है ना हमेशा की, ऐसा नहीं है कि मतलब कि 10 दिन के बाद में एक बार विनिंग हो रही है, नहीं भाई हर दिन यहाँ पर विनिंग होती है। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है अदर से, और हमें डिफरेंस ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जो कि हम बहुत ही प्रयास लगाते हैं, जो पुराने जैसे उनको पता है कि सॉफ्टवेयर कैसा रिजल्ट देता है, और कबड्डी में तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है दोस्तों ना। अभी आपको मैं बताऊंगा, अभी तो आज का मैच अभी रिसेंटली हुआ है ना आपके गुजरात का और यू मुंबा का, बहुत ही शानदार मुकाबला था हमारे जो इसके लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो प्राइम टीम थी, प्राइम टीम मीन्स क्या होता है, देखो दोस्तों आपका प्राइम टीम में क्लियर होना जरूरी है, जो भी नई जनरेशन के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। प्राइम टीम इस मीन्स कि आपके पास में नॉलेज कम है, तो वो टीम हम बनाएंगे और आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। और 149 चार्ज है पर मंथ का, डिवाइड कर लो 30 से, तो कितना पड़ता है दिन दिन का, कितना रुपए, 5 रुपये पड़ता है दिन का, तो दिन का 5 रुपये लेते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है ना। जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे देखो हमारे जो ने 15 टीम बुक की थी, वहाँ पर बुकिंग ऑप्शन होते हैं, 3 से मिनिमम 3 टीम, मैक्सिमम 20 टीम बुक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इनकी मेगा ग्रैंड लीग में 18वां रैंक का, ये जाके चेक कर लो दोस्तों, और उनको फॉलो करो और फिर उनके सारे टीम जाके चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन्होंने मल्टी कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, यहाँ पे लिखा हुआ ना माई कॉन्टेस्ट ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो इन्होंने एक कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया और एक कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया, 15-15 टीम लगा दी दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने ये हर मैच में टीम लेते थे, इनका मैसेज आ जाता है भाई लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन हमने कहा पेशेंस रखो दोस्तों, फैंटेसी है, फैंटेसी में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये कोई स्मॉल लीग नहीं है कि आपको विनिंग हो सकता है, ये ग्रैंड लीग है, जिस दिन आएगा तो भरपूर पैसा आएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो पहला था। दूसरा देखो दोस्तों हमारे जोश ने क्या किया, मतलब कि इनके पास में मैंने कहा था जिसके पास एंट्री फीस कम होती है ना, तो वो क्या करो कि जो जो आपकी जो 5 रुपए वाली कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर स्पॉट कम होते हैं ना, वो ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने मतलब कि डिफरेंटली पूरा गेम खेले दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 4 ही टीम बुक की थी, और यहाँ पे देखो मतलब शानदार टीम बनाई, यहाँ पे चार टीम बुक करके, फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट रैंक है 6000 मेंबर में, यहाँ पे 20000 मेंबर में चौथी रैंक है दोस्तों, सेम टीम है दोस्तों, आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट ये है यहाँ पे, तो इन्होंने देखो आपको मैं टीम दे रहा हूँ, टीम नंबर 28649, कितनी करके सारा डाटा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें आपको पता नहीं चला, ओल्ड थिंग्स यू हैव टू नो दोस्तों, ठीक है, सारी चीज़ आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दोस्तों आज का मैच बहुत ही शानदार गया हमारे फैंटेसी मेंबर्स के लिए दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों, इनके मैसेज भी आए, देखो 65K तो इन्होंने विन किए दोस्तों ड्रीम टीम फाइटर के, आप जाकर, और आई एम क्रेकर ड्रीम टीम फाइटर, यहाँ पे देखो अलग अलग आईडी है दोस्तों, ठीक है। और इनसे पहले आईडी ये थी चंद्रू विनर है ना, एक नंबर चंद्रू, दूसरे आपके आई एम क्रेकर, आई एम
करके बहुत बार विन कर चुके दोस्तों मिनी कॉन्टेस्ट में, क्योंकि 5 रुपये वाले कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा खेलते हैं ड्रीम टीम फाइटर भी, और आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। और माई विनी इन्होंने भी देखो 11 वाले ज्वाइन किया था। आप देखो इनकी, देखो इनकी फर्स्ट टाइम क्यों नहीं आई थी, क्योंकि इन्होंने वही कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया जो जिसने हमारे विनर ने, मतलब कि हमारे मेंबर ने फर्स्ट टाइम प्राप्त की थी दोस्तों। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रैंक है ना, सेम कॉन्टेस्ट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया दोस्तों, तब उनकी वहाँ पे कितनी रैंक, रैंक 6 रहेगी दोस्तों, वो चीज़ है। तो आप मिनी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, हमारे साथ बने रहो दोस्तों। थोड़ा बहुत समय लेते हैं, लेकिन समय जो आपका 15 मिनट होता है ना, वो आपकी गेम मतलब लाइफ को चेंज कर सकता है। आपकी जो लाइफ में जो ड्रीम होते हैं वो आपके कंप्लीट होने में प्रोसेस हो जाते हैं दोस्तों। तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और सॉफ्टवेयर की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं मैच के बारे में, वापस मैच के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन की बात करें, नीरज कुमार, संदीप तुल, टी युवराज और मोरे आपके कैप्टन रहेंगे दोस्तों। कोई नहीं बताएगा ऐसे कैप्टन दोस्तों, ठीक है। और वीसी रहेंगे आपके पवन कुमार, शेरवा, सचिन, तंवर, मंजीत और रजनीश। अब देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि आप संदीप तुल और ओआर मोरे को कैप्टन कर रहे हो, तो वीसी आपको पवन कुमार, शेरवा और रजनीश को करना है। नीरज कुमार कैप्टन, वाइस कैप्टन, नीरज कुमार कैप्टन और टी युवराज स्वादी आप कैप्टन बना रहे हो, तो वीसी आपको तंवर और मंजीत को बनाना है दोस्तों, ठीक है। ये अपने सीबीसी की बात थी दोस्तों। और कितने क्रेडिट की आपको टीम बना, 92.5 to 96 और 92 बन रहे दोनों टीम में, तो मतलब कि मैच अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे मेरी भी आपसे तेलुगु ये मैच जीतने वाली है दोस्तों, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो पार्टीशन देखो लिखो 5-2 का ट्राई करना दोस्तों, ठीक है। 5-4-3 भी टाइप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा आपका 3-1-3, मतलब 3 डिफेंडर, 1 ऑलराउंडर और 3 रेडर दोस्तों, ठीक है। तो ये तो थी अपनी सारी नोट्स के बाद, चलते अपने सॉफ्टवेयर पे दोस्तों। सॉफ्टवेयर से चलने से पहले आज चीज़ आपको लॉजिकल चीज़ बतानी जो कबड्डी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो आपके 10 मिनट है ना, फोकस हो जाओ, पेन डायरी ले लो या फिर स्क्रीनशॉट कैप्चर भी आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं तेलुगु की तरफ से। तो तेलुगु की तरफ से जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके डिफेंडर में, प्रवेश बेसवाल, संदीप धुल और तीसरे रहेंगे आपके ओआर मोरे, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है दोस्तों। अब उसका रीज़न देखो मैं क्यों बता रहा हूँ। जो आपके संदीप धुल है लेफ्ट कॉर्नर है, और आर जो आपके जो ओआर मोरे हैं जो कि आपके राइट कॉर्नर है दोस्तों। तो ये जो राइट कॉर्नर प्लस लेफ्ट कॉर्नर कॉम्बिनेशन होता है ना, वो राइट रेडर को समस्या करता है। रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट कॉर्नर प्लस राइट कवर दोनों का कॉम्बिनेशन ओपोनेंट के राइट रेडर को इश्यू करता है। तो ओपोनेंट में 2 राइट रेडर है, मंजीत और सचिन तंवर। तो सिंपल सी बात है, यदि आप संदीप धुल और ओआर मोरे को कैप्टनसी ट्राई कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको मंजीत या फिर तंवर में से एक को ड्रॉप करना 100%। तो ये बात, दूसरी बात ये, उस टीम के अंदर वीसी आपको मंजीत या फिर तंवर को नहीं बनाना दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात थी तेलुगु की तरफ से। तेलुगु के ये डिफेंड अच्छा करेंगे तो जो आपके ओपोनेंट के जो मतलब पटना के ये रेडर फ्लॉप हो सकते हैं। यदि ये रेडर फ्लॉप होंगे ना, तो चलेगा कौन? चलेगा आपका यहाँ पे राइट लेफ्ट रेडर राजेश नरवाल। भाई राजेश नरवाल सिर्फ 3% सिलेक्शन है, तो यही तो लॉजिकल चीज़ है दोस्तों। तो प्रयास करो, समझने का प्रयास करो दोस्तों, ठीक है। तो ये थी तेलुगु की बात। अब बात करते हैं अपन पटना की दोस्तों, ठीक है। तो पटना के हैं कृष्ण धुल है, ठीक है, और टी युवराज और नीरज कुमार है दोस्तों। टी युवराज और नीरज कुमार है, ठीक है। आपकी टी युवराज है जो कि लेफ्ट कॉर्नर है, वहाँ पे संदीप धुल लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, यहाँ पे टी युवराज खेलते हैं। और राइट कवर खेलते हैं आपके नीरज कुमार, और कृष्ण धुल खेलते हैं आपके राइट कॉर्नर। अब देखो दोस्तों, कृष्ण धुल का 70% सिलेक्शन है, अच्छा प्लेयर है दोस्तों। जनता इनका बैकवर्ड पिछला रिकॉर्ड देख के चल रही है कि हर मैच में 3 से 4 टैकल पॉइंट कर रहा है, तो पिक कर लेते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, जो तेलुगु की टीम है इनके पास में लेफ्ट रेडर कोई भी नहीं है, तो कृष्ण धुल सिर्फ डेस कर सकते हैं, डेस से इनके पॉइंट आ सकते हैं दोस्तों। ये ना तो एंकल होल्ड कर सकते हैं, ना बैक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। क्योंकि जो इनके पास ओपोनेंट के रेडर है ना, पवन कुमार शेरावत और आपके रजनीश, ये दोनों रेडर राइट रेडर है दोस्तों। तो इनको टैकल करने के चांस किसके बढ़ रहे हैं? टी युवराज प्लस नीरज कुमार, टी युवराज प्लस नीरज कुमार आपके बेटर पिक बनेंगे। यदि आप चाहते हो कि पवन कुमार शेरावत फ्लॉप हो जाए, तो उनको फ्लॉप करने वाले 2 बड़े नाम नीरज कुमार और टी युवराज दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताने बहुत ही जरूरी थी दोस्तों। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं सॉफ्टवेयर में। मैंने मैच को पहले से ही सेव कर लिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अपन मेरे प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं जो कि कल के मुकाबले में खेलने वाले। परसेंटेज वाला कोई इश्यू नहीं है, आप 0% हेडेक के साथ में जाओ, क्योंकि आप जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं, जो चीज़ें मैंने बताई है ना, उनको आप नोट डाउन कर लो, और फॉर वो चीज़ें ना आप मैच के अंदर इंप्लीमेंट करो। कम से कम 21 डेज या फिर 15 डेज जितने भी दिन आप खेलते हो, रिजल्ट जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो प्लेयर खेले थे उनको पिक लेते हैं, ठीक है। मेरे भी आपसे कौन कौन खेल रहे हैं जहाँ पे देखो, पटना की तरफ से आपके
ओआर, देखो ओआर मोरी मैं बता रहा हूँ, इनका मतलब नेचुरल बहुत शानदार रिकॉर्ड है। पहला सीजन है ना, पहला मैच था। देखो आप कहीं भी कोई भी कार्य पहली बार करते हो तो हेजिटेशन जरूर होती है दोस्तों, लेकिन जो फिर धीरे धीरे हैबिट बन जाती है ना, तो फिर वो अलग ही लेवल का काम खुद करते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ऑलराउंडर में आपके शंकर गदाई हो गए, और या फिर हैदर ले लो, शंकर गदाई ले लो, ठीक है। और यहाँ से आपके सी सजिन हो गए दोस्तों, ठीक है। रेडर में पवन कुमार सहरावत, सचिंद्र, मनजीत, रजनीश और राजेश नरवाल दोस्तों, ठीक है। टोटल 7 प्लेयर, टोटल 14 प्लेयर हो चुके हैं दोनों, ठीक है। एडवांस सेक्शन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे कोई प्लेयर फिक्स नहीं है। फिर यदि आप फिक्स करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है, जो अभी जो रिसेंटली ड्रीम इलेवन में उन प्लेयर का फिक्स कर सकते हो। मतलब कि यदि तेलुगु को फेवर कर रहे हो ना, तो वहाँ पे पवन कुमार सहरावत, और डिफेंडर में आपको किसको फिक्स करना है, तीनों डिफेंडर मैंने बताया, प्रवेश बेसवाल और आपके संदीप धुल और मोरे। देखो ओम मोरे जो कि बहुत कम सिलेक्शन है, मात्र 2% सिलेक्शन है, जैसे कि आप सौरव गुलिया थे ना, तो वही चीज़ है दोस्तों, वही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप ऐसे फिक्स कर सकते हो। कैप्टनसी मैंने आपको धुल, और यहाँ पे नीरज कुमार है, टी युवराज धुल है, और यहाँ पे ओ आर मोरे कैप्टन रहेंगे दोस्तों। वीसी यहाँ पे करना है सारे रेडर, इनके इनके यही तो रेडर है, इनको आपको वीसी करना है, 5-2 5-2 ट्राई करना है। तो पहले अपन 5-2 ट्राई करते हैं तेलुगु की तरफ से, ठीक है। कोई और क्रेडिट की बताइए, 92.5, 92.5 टू 96 दोस्तों, ठीक है। आप 92.5 की भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की फैक्टर बन जाता है, इसलिए मैं इनको पिक नहीं करा। 3-1-3 कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। यहाँ पे मैं 150 टीम क्रिएट करूंगा। अब बोलोगे भाई 150 टीम क्यों क्रिएट करियो, उसका सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करके भी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तेलुगु के फेवर में आने, तेलुगु मैंने कहा था संदीप धुल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्रवेश भेसवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओ आर मोरे को आप ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो वहाँ पे। फिर आप 4 डिफेंडर ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पवन कुमार शेरावत। तो ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे, देखो संदीप धुल और प्रवेश भेसवाल, यदि ये चलते हैं तो कौन फ्लॉप होंगे, मनजीत या सचिन में से एक प्लेयर आपका फ्लॉप होगा। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे आपके सचिन तंवर फ्लॉप होने वाले हैं, लेके चलते सचिन तंवर आपके फ्लॉप होंगे। तो यहाँ पे देखो टीम सारी फिल्टर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मनजीत तंवर फ्लॉप होंगे, और डिफेंस में आप पवन कुमार शेरावत को चला रहे हो, तो पवन कुमार शेरावत के सामने डिफेंडर कौन आएंगे, नीरज कुमार और टी युवराज। तो हम चाहते हैं कि नीरज कुमार भी फ्लॉप हो जाए दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने जो पवन शेरावत अच्छा करे तो नीरज कुमार भी फ्लॉप हो जाए। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, हमें नीरज कुमार भी नहीं चाहिए, और ये क्रिकेट से अलग है दोस्तों, है ना। क्रिकेट में अपन फिल्टर अप्लाई करते हैं तो कभी टीम बन पाती कभी नहीं बन पाती, लेकिन यहाँ पे जरूर बनेगी दोस्तों, ठीक है। और एक आप तेलुगु एक प्लेयर को और रजनीश को ट्राई करो कि भाई रजनीश चाहिए, 2 रेडर 2 डिफेंडर आपको फिक्स कर लो, और ये आपके सामने 25 टीम आ चुकी है दोस्तों। तो ऐसी टीम देखो दोस्तों, इसके अंदर ओ आर मोरे क्या टीम है, साजिन आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, शंकर गदाई मिलेंगे, रोटेशन आपको अपने आप मिलेगा। तो ये चीज आप खुद से भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब बनाते हैं अपन टीम किसके फेवर में, अब बनाते हैं पटना के फेवर में दोस्तों, ठीक है। पटना के फेवर में 10 टीम बनाते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि आपको बताना जरूरी था ना फिल्टर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसलिए दोस्तों कबड्डी के अंदर है ना, तो इसलिए मैंने आपको सामने बनाया दोस्तों, ठीक है। और कॉम्बिनेशन 3-1-3 ट्राई करना है, और नंबर ऑफ टीम यहाँ पे 10 टीम बना देते जो टोटली पटना के फेवर में होगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इनको यहाँ पे देखो नीरज कैप्टन है, वाइस कैप्टन आपके तंवर है। इसके अंदर देखो ये टीम करके आप क्या करना, क्या शेरावत की जगह किसको पिक करना है, शेरावत की जगह यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। देखो अब राजेश नरवाल को बाहर, राकेश नरवाल को बाहर कर दो, और इनकी जगह आपको पिक करना है मनजीत को, और पवन की जगह पिक करना है रजनीश को दोस्तों। ऐसे रोटेशन आप कर डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और मिलते रहे आगे वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।